जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको भारतीय सेना के वीर जांबाजों द्वारा 28-29 सितंबर 2016 की रात को नियंत्रण रेखा पार करके आतंक के अड्डों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक तो जरूर याद होगी, पर क्या आपको ये भी पता है कि आज से लगभग 360 साल पहले 5 अप्रैल 1663 को भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बेहद अचूक और कारगर। उस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और आतंक के जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया था वो था औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां, स्थान पुणे का लाल महल, जिसे वर्ष 1637-38 में दादोजी कौंडदेव ने जीजा माता और उनके पुत्र शिवाजी के लिए बनवाया था। लेकिन मई 1660 में उस पर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां ने कब्जा कर लिया था। 25 फरवरी 1660 को शाइस्ता खां ने अपने लश्कर के साथ अहमदनगर से दक्षिण की ओर कूच किया। वो पुणे जिले के पूर्व की ओर सोनवाड़ी व सूपे होते हुए 5 अप्रैल को बारामती पहुंचता है। इसके बाद पश्चिम की ओर रुक करता है और 18 अप्रैल को शिरवल पहुंचता है, राजगढ़ के आसपास के गांव को लूटता है और उत्तर की ओर शिवापुर के लिए आगे बढ़ता है। फिर पूर्व की दिशा में मुड़ता है और 1 मई 1660 को सासवड पहुंचता है। सासवड से चलकर शाइस्ता खां 9 मई को पुणे में प्रवेश करता है। 19 जून को चाकण के लिए निकल पड़ता है और लगभग 2 महीने के संघर्ष के बाद अंततः 15 अगस्त को चाकण पर उसका अधिकार हो जाता है। मई 1661 में कल्याण पर भी मुगलों का कब्जा हो जाता है। मराठों के विशाल क्षेत्र पर अब तक शाइस्ता खां ने कब्जा कर लिया था। पुणे में वो जिस घर में रह रहा था उसमें शिवाजी का बचपन बीता था, यानी लाल महल। शिवाजी ने शाइस्ता खां पर हमला करने की योजना बनाई। ये बेहद दुस्साहसपूर्ण योजना थी जिसमें खतरा बहुत बड़ा था और सफलता की संभावना बेहद कम। लेकिन संकट जितना बड़ा होता, शिवाजी की बुद्धि उतनी ही अधिक तेजी से काम करती थी। लाल महल के पास ही सिंहगढ़ को जाने वाले मार्ग के दूसरी ओर शाइस्ता खां के सहयोगी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का कैंप था, जो अपने 10,000 जवानों के साथ वहां तैनात था। शिवाजी ने 1-1,000 की 2 टुकड़ियां नेताजी पालकर और पेशवा मोरोपंत के नेतृत्व में तैयार की, जिनको विशाल मुगल छावनी से 1-1 मील दूर दाएं और बाएं तैनात होने का आदेश दिया गया। 5 अप्रैल 1663 रविवार का दिन था। सिंहगढ़ से चलकर 11 मील की यात्रा करते हुए रात होते होते शिवाजी, बाबाजी बापूजी और चिमनाजी बापूजी सहित 400 चुने हुए सैनिकों के साथ मुगल छावनी की सीमा में पहुंच गए। वहां पहरेदारों ने जब उनसे पूछा, तुम कौन हो, तो शिवाजी ने बताया, हम मुगल सेना के दक्कन वाले सैनिक हैं, यहां हमारा तबादला हुआ है, हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आए हैं। पहरेदारों ने उनकी बातों का यकीन करते हुए उनको अंदर आने दिया। आधी रात के समय शिवाजी शाइस्ता खां के महल के बिल्कुल समीप पहुंच गए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी एक बारात के रूप में पुणे शहर में दाखिल हुए थे। शिवाजी ना केवल पुणे शहर बल्कि उस महल के कोने कोने से परिचित थे। अधिकांश नौकर गहरी नींद सोए हुए थे, कुछ रसोइये उठे हुए थे। मराठों ने इन्हें बड़ी सावधानी से मार डाला था। रसोई घर की एक दीवार जो हरम के अंदर रहने वाले नौकरों के कमरे से मिलती थी, उससे बड़ी सफाई से ईंटों को निकालना शुरू किया। कुदाल चलने लगे। कुदाल की आवाज और मरने वाले रसोइयों की आवाज सुनकर कुछ नौकर जाग गए। उन्होंने शाइस्ता खां को जगाकर इसके बारे में बताया, लेकिन इतनी बात के लिए नींद खराब करने पर शाइस्ता खां ने उन्हें डांट दिया। असल में वो सोच ही नहीं सकता था कि यूं मुगलों की छावनी में घुसकर शिवाजी उसके महल तक पहुंच जाएंगे। जल्दी ही दीवार में छेद हो गया, जिससे सबसे पहले शिवाजी और चिमनाजी बापू ने प्रवेश किया। उनके पीछे पीछे 200 सैनिक और आ गए थे। शिवाजी पल भर में शाइस्ता खां के बेडरूम तक पहुंच गए। शाइस्ता खां
उठकर भागने लगा, लेकिन शिवाजी की तलवार के वार से उसका अंगूठा कट गया था। तभी किसी महिला ने दीपक बुझा दिए, जिससे अंधेरा हो गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए शाइस्ता खां निकल भागा। बचे हुए 200 सैनिक भी बाबाजी बापूजी के नेतृत्व में अंदर आ गए थे। शोर सुनकर महल के बाहर तैनात मुगल सैनिक भी जाग गए। शाइस्ता खां का पुत्र अबुल फतेह अपने पिता की मदद करने के लिए आया, लेकिन लड़ते हुए वो मारा गया। शिवाजी जानते थे कि वहां देर तक रुकना सही नहीं था। वे अपने सैनिकों के साथ वहां से भाग निकले। उस सर्जिकल स्ट्राइक में शाइस्ता खां का बेटा और उसके 40 से अधिक लोग मारे गए थे। 6 मराठे भी मारे गए। यह हमला इतना अचानक हुआ था कि मुगल सेना में भयानक भय व्याप्त हो गया। सबको लगता था कि पता नहीं कब कहां से शिवाजी आ जाएंगे। लोग कहते थे कि शिवाजी काला जादू जानते हैं। अगली सुबह जसवंत सिंह शाइस्ता खां का हाल पूछने गया। शाइस्ता खां ने कटाक्ष करते हुए कहा, जब दुश्मन ने मुझ पर हमला किया तो मैंने सोचा उनसे लड़ते हुए तुम पहले ही मारे जा चुके होगे। कुछ लोगों को शक था कि इस हमले में राजा जसवंत सिंह का भी हाथ था, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। इस घटना के बाद स्वयं शिवाजी ने राजापुर में अपने एजेंट रावजी पंडित को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा कि बिना किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। जब औरंगजेब को इसका पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने शाइस्ता खां को दक्कन से हटाकर बंगाल भेज दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि औरंगजेब भी मानता था कि शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में जसवंत सिंह का हाथ नहीं था। दोस्तों, पुणे में आज भी एक लाल महल है, पर यह वो लाल महल नहीं है जिस पर शिवाजी महाराज ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये लाल महल बाद में बना है। 1984 से 1988 के बीच इसको पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनवाया। ओरिजिनल लाल महल कितना बड़ा था, उसका डिजाइन कैसा था, इसके बारे में कोई विश्वस्त जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये आज का लाल महल उसी जगह पर बना है, उसी जमीन के एक हिस्से पर बना है जिस पर कभी ओरिजिनल लाल महल हुआ करता था। आज का लाल महल छोटा है, वो शायद बहुत बड़ा रहा होगा। बाहर से यह भवन बहुत सुंदर दिखता है। चलिए अंदर देखते हैं अंदर कैसा है। यहां एक बड़ा हॉल है। इसमें दीवारों पर खूबसूरत तैल चित्रों के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी कही गई है। इस चित्र को देखिए, इसमें बाल शिवाजी माँ जीजाबाई की देखरेख में हल जोत रहे हैं, और इस चित्र में शिवाजी शाइस्ता खां पर हमला कर रहे हैं और वो घबराया हुआ खिड़की के रास्ते जान बचाकर भाग रहा है। इस चित्र को देखिए, इसमें शिवाजी महाराज नारी पर अत्याचार करने वाले रांझा गांव के पाटिल को कठोर दंड सुना रहे हैं ताकि समाज को शिक्षा मिल सके। लाल महल में चला यह पहला मुकदमा था। शिवाजी महाराज के जीवन की कई घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि उनके हृदय में नारी के लिए बड़ा सम्मान था। इस चित्र को देखिए, इसमें युवा शिवाजी अपने गिने चुने मावल साथियों के साथ तोरणा के किले पर चढ़ाई कर रहे हैं। तोरणा के किले पर शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की उम्र में सन 1646 में अधिकार किया था। ये उनके द्वारा जीता पहला किला था जो बीजापुर के आदिल शाह से छीना था। स्वराज्य की स्थापना की ओर ये शिवाजी का पहला कदम था। इस चित्र को देखिए, इसमें शिवाजी महाराज गरीब जनता को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र और कृषि के लिए बैल तथा कृषि औजारों का दान करते दिखाई दे रहे हैं। और इस चित्र में 15 साल की उम्र में शिवाजी रायरेश्वर के शिव मंदिर में अपने युवा साथियों के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और स्वराज्य का संकल्प ले रहे हैं। इस चित्र को देखिए, इसमें युवा शिवाजी शस्त्र विद्या, अश्वारोहण विद्या, न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और दुर्ग शास्त्र की शिक्षा ले रहे हैं। और इस चित्र को देखिए, यहां माँ जीजाबाई बाल शिवा को रामायण और महाभारत की कथा सुना रही हैं। सामने दीवार पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते दिखाई दे रहे हैं। माँ जीजाबाई की शिक्षाओं का शिवाजी के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव था।
इस चित्र को देखिए, यहाँ माँ जीजाबाई बाल शिवाजी के हाथों से प्राचीन कस्बा गणपति मंदिर के जीर्णोद्धार का शुभारंभ करवा रही हैं। ये मंदिर लाल महल के पास स्थित है। लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत यहीं से की थी दोस्तों। और इधर देखिए, यहाँ मिट्टी से रायगढ़ के दुर्ग का मॉडल बनाया गया है। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था। चलिए बाहर आंगन में चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ बाल शिवाजी माँ जीजाबाई के साथ हैं और हल जोत रहे हैं। शत्रुओं के निरंतर हमलों से बर्बाद पुणे को शिवाजी के परिश्रम ने किस प्रकार समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया, ये उसका प्रतीक है। अंदर हमने तैल चित्र देखा था, यहाँ अत्यंत भव्य प्रतिमा है जिसमें माँ जीजाबाई हैं, युवा शिवाजी हैं और हल में जुते दो बैल हैं। तो दोस्तों, ये रही यात्रा आज के लाल महल की। हमने आपको पुराने लाल महल पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी भी बताई और आज के लाल महल की सैर भी करवाई। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।